सिमेंटिक वेब सोल्यूशन की जानब से मैं हूं मोहम्मद रशीद। यह एडोब फोटोशॉप की हमारी जो सीरीज है उसका 17 लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि रेड डाई टूल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और हम इसको एडोब फोटोशॉप में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपकी जो आइज होती है इसमें, जब आप डिजिटल कैमरे नहीं थे, हम मोबाइल से रात के वक्त कोई पिक्चर कैप्चर करते तो क्या होता था, जो हमारी आइज होती थी उसमें रेड कलर के स्पॉट्स क्रिएट होते थे। रेड कलर के मैं आपको पिक्चर ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि रेड आइज में जो स्पॉट होते हैं वो जब हम पिक्चर कैप्चर करते थे तो क्रिएट होते थे। जैसे मैं फाइल ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे फाइल डाउनलोड की है। इस तरह से जब हम कोई पिक्चर कैप्चर करते थे तो क्या होता था कि जो हमारी आइज थी उसमें रेड कलर के स्पॉट क्रिएट होते थे जब हम रात के वक्त कोई पिक्चर कैप्चर करते थे। बेसिकली आजकल तो डिजिटल कैमराज हैं तो उनके ज़रिए तो इस तरह के स्पॉट जो है वो क्रिएट नहीं होते, लेकिन जो पहले मोबाइल थे या कैमरेज थे उनके जरिए अगर आप पिक्चर लेते थे तो जो रेड स्पॉट होते थे वो हमारी आईज में क्रिएट होते थे। तो बेसिकली अगर आपने कैमरा देखा है तो उसके अगर आप लेंस है अगर उसको आप कभी देखें तो आप देखेंगे कि उसमें रेड लाइट होती है। जब आप पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो जो रेड लाइट होती है वो फ्लैश करती है, जिसकी वजह से जो आपकी आइज होती हैं उनमें ये इस तरह के स्पॉट नज़र आते हैं। लेकिन जो डिजिटल कैमराज हैं इस वक्त उनमें ये सिस्टम नहीं है कि आपकी जो आइज हैं उनमें कोई भी स्पॉट नज़र आए। तो अगर आपके पास पुराना कैमरा है, आप उससे अगर कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो जो आपकी आइज है उनका जो कॉन्टैक्ट है तो बिल्कुल भी वो जो आपका कैमरा है उसके लेंस के साथ नहीं होना चाहिए कि आपकी जो आइज हैं उनको आप किसी और तरफ भी मूव करवा सकते हैं। तो अगर आप अपनी आइज को किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो कभी भी आपकी जो आइज है उनके अंदर जो इस तरह के स्पॉट क्रिएट नहीं होंगे। तो इस टूल को यूज़ करते हुए रेड आई टूल को हम इन स्पॉट को काफ़ी इजी वे से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अनलॉक करते हैं, यहाँ से आप इसका जो साइज़ है डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, इसका भी साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको 50 रहने दें क्योंकि जो 50 है वो बेस्ट होता है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि जो इसमें रेड स्पॉट था वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा सिंगल क्लिक से उसने उसको रिमूव कर दिया। अगर इस पिक्चर पे हम करते हैं तो आप देखिएगा उसने इस पिक्चर पे भी इसको रिमूव कर देना है। लेकिन ये जो पिक्चर हमारी थोड़ी सी जूम है तो ये टाइम लेगा इसको सिलेक्ट करने में। अगर आपके पास इस तरह की पिक्चर है आपकी तो आप काफ़ी इजी वे से कोई भी रेड स्पॉट जो आपके आइज में है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। ये तकरीबन हमारे टूल्स रह गए हैं। इसके बाद हम एडवांस ग्राफिक की तरफ मूव करेंगे, पिक्चर एडिटिंग, पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, वोको फाइल क्या होती हैं, PSD फाइल्स क्या होती हैं। इसके बाद काफ़ी ग्राफिक्स का जो काम है जो एडोब फोटोशॉप में करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इसी तरह के ट्यूटोरियल लगाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।